हे गाइस, आज के दिन में अगर हम लोग कोई स्मार्टफोन देखते हैं उसका जो नया उसका अपग्रेडेशन वर्जन है वो 6 महीने के अंदर नॉर्मली हम लोगों को देखने को मिलता है। इसका एक रीजन आपको पता है, आज के दिन में जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही जल्द नया नया देखने को मिलता है। इसके लिए हर एक कंपनी रहना चाहता है अपग्रेड, तो इसके लिए नया नया फोन निकलते रहता है। बट अगर आप देखेंगे स्मार्टफोन का एक कॉमन प्रॉब्लम है वो है हीटिंग इशू। स्मार्टफोन अगर आप थोड़ा ज़्यादा हैवी यूज़ करेंगे तो हीट तो होता है, इवन कुछ कुछ फ़ोन चार्जिंग की टाइम भी काफ़ी हीट होता है। और कुछ कुछ फ़ोन ये हीट होते होते एक कंडीशन में जाकर क्या होता है, ब्लास्ट का प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब ब्लास्ट हो जाता है। ये प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिला Xiaomi का, उसके साथ और एक कंपनी वो है Samsung। सैमसंग की बात किया जाए तो सैमसंग का 2-3 फोन का इस तरह का इंसिडेंट है। सबसे बड़ा जो इंसिडेंट है सैमसंग का नोट 7 के साथ, वो सीरीज की अंदर जो बैटरी था, बैटरी का डिजाइन के साथ साथ मटेरियल वाइज प्रॉब्लम के लिए सैमसंग का नोट सीरीज का काफी सारा नोट 7 सीरीज बेसिकली काफी सारा फोन जो है वो ब्लास्ट हुआ था। इसके लिए सैमसंग हर एक फोन को बैक कर लिया था, उसका जो पैसा था वो हर एक यूजर को दे भी दिया था। बट सैमसंग वालों ने ये क्लैरिफाई किया था उसका ही प्रॉब्लम था, वो लोग मान लिया था। बट Xiaomi की बात किया जाए तो Xiaomi का ये Redmi Note 4 टाइम से हो रहा है, और रिसेंटली अगर देखा जाए तो रिसेंटली हुआ था गुड़गांव में Redmi Note 7 Pro, जिस फोन में हुआ था क्या, ओरिजिनल चार्जर से ये फोन को चार्ज किया गया, किसी तरह ओवर चार्ज नहीं है, 90% तक चार्ज करके यूज़ किया था। बट उसको लेकर जब निकाला था बाहर में तो उसका बाद उसका फ़ोन हीट होने लगा, जो यूज़र है उसका फ़ोन एक कंडीशन में जाकर वो फ़ोन ब्लास्ट हो गया। बट ये जब कंडीशन ब्लास्ट हो गया था तो Xiaomi वालों ने ये मानने के लिए तैयार नहीं था, ये फ़ोन में ओरिजिनल हम लोग चार्जर यूज़ करके चार्ज किया ये। बट बाद में जब क्या हुआ, ये न्यूज़ काफ़ी स्प्रेड हो गया था, आपको भी पता है वेबसाइट के साथ साथ टीवी में भी ये दिखाया गया था, इवन फेसबुक यूट्यूब सब एक सेक्शन में ये देखने को मिलता है, काफ़ी सारा इसके ऊपर वीडियो भी है। बट तब देखा Xiaomi वालों ने पेशर में आकर किया क्या, एक नया फ़ोन उसको तो दे ही दिया है, उसके साथ एक बैकपैक भी दिया था जो मेरा पास है। तो इस कंडीशन में जाकर हम लोग आपको बेसिकली बोलेंगे ये जो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन क्यों ब्लास्ट होता है, इसका काफ़ी हद तक रीज़न आपको पता है, बट इसका अलावा भी काफ़ी कुछ सेंसिटिव रीज़न हो सकता है जिसके लिए भी हम लोगों की स्मार्टफोन ब्लास्ट हो सकते हैं, तो वही आपको ये वीडियो में पता चलेगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो वेलकम टू TechSound YouTube चैनल, मैं सम्राट। आशा कर रहा हूं आपको ये वीडियो काफी अच्छा हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगे पर वीडियो का एक लाइक देकर हम लोग का लाइक टारगेट फिल कीजिए, और चैनल में नए होने पर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, तो इस तरह वीडियो का फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो जो स्मार्टफोन का ब्लास्ट होने का कॉमन कुछ रीजन के अंदर एक है, स्मार्टफोन जब आप चार्ज कर रहे हैं उस टाइम आप लोग किसी तरह अगर हेवी यूज करेंगे तो हीट होकर स्मार्टफोन ब्लास्ट होने की तरह काफी रीजन देखने को मिलता है। इसके लिए हमेशा बोला जाता है आपको, जो स्मार्टफोन जब चार्ज हो रहा है उस टाइम आप किसी तरह हेवीली यूज मत कीजिए, मतलब आप यूज करना चाहते हैं तो नॉर्मल अगर कॉल आता है तो आप कॉल रिसीव कीजिए, छोड़ दीजिए, यही कीजिए, उसका ऊपर में जाकर मत कीजिए, एक है रीजन। नेक्स्ट है हम लोगों की स्मार्टफोन के अंदर जो बैटरी वो अगर डुप्लीकेट होता है तो उस टाइम भी ब्लास्ट होने की तरह प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसके लिए अगर देखेंगे आपका स्मार्टफोन का जो बैटरी है ओरिजिनल वो अगर खराब हो जाता है उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, नया बैटरी लगाते हैं। बट उस टाइम अगर हम लोग डुप्लीकेट बैटरी यूज करते हैं तो उस टाइम भी ब्लास्ट होने का एक काफी बड़ा रीजन होता है। तीसरा एक है चार्जिंग रिलेटेड, मतलब आपका जो चार्जर है एडाप्टर वो ओरिजिनल चार्जर एडाप्टर अगर आप जो कंपनी से दिया गया वो नहीं यूज करके आप अगर थर्ड पार्टी कोई कंपनी का यूज़ करते जो ट्रस्टेड ब्रांड नहीं है उस टाइम भी आपका फ़ोन डैमेज हो सकता है। ये तीन रीज़न काफ़ी हद तक हम लोग को जानने को मिलता है। इसका अलावा फ़ोन ओवर चार्ज हो जाने की तरह प्रॉब्लम, मतलब बहुत टाइम से आपका फ़ोन फुल चार्ज हो गया उसका बाद भी आपका फ़ोन चार्ज में है उस टाइम भी हो सकता है, इस तरह का प्रॉब्लम है। बट इसका अलावा अगर देखोगे Redmi का Note 7 Pro जो था उसमें क्यों हुआ था, उधर तो हम लोग ओरिजिनल चार्जर यूज़ किया था, नया फ़ोन था, ये सब के लिए आपको जानना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। तो आज के दिन में अगर आप देखेंगे हर एक स्मार्टफोन का कॉमन प्रॉब्लम आप बोल सकते हैं वो है हर एक स्मार्टफोन जो है यूनिबॉडी डिज़ाइन के साथ आता है, जिधर हम लोगों को बैटरी जो है तो नॉन रिमूवेबल होता है, जिधर हम लोगों को बैटरी का क्या कंडीशन है हम लोगों को पता नहीं चलता है, एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। अगर किसी का बैटरी का प्रॉब्लम है, मतलब उस बैटरी का अंदर सूजन आ गया उस टाइम क्या है, वो बैटरी को यूज़ नहीं करना ही अच्छा होता है, नया लगाना जरूर चाहिए। तो इस कंडीशन में हम लोगों को पता नहीं है हम लोगों की बैटरी क्या कंडीशन है, तो इसके लिए एक बार होता है हम लोगों की ब्लास्ट होने का चांस बहुत ही ज़्यादा। इसके लिए देखेंगे यूरोपियन कंट्री के अंदर अगर आप कोई फोन सेल करेंगे तो उसमें आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन व नया कुछ आपको लॉ मानना पड़ेगा, जिसका अंदर एक तो है जो स्मार्टफोन आने वाली टाइम में आएगा हर एक स्मार्टफोन में जो बैटरी रहेगा वो रिमूवेबल बैटरी के साथ आएगा, और अगर कोई स्मार्टफोन में रिमूवेबल बैटरी रहेगा तो उसका जो
प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम हम लोग ब्लास्ट के बारे में बोल रहे हैं, तो काफी हद तक ये सॉल्व भी होता है। एंड उसके साथ चार्जिंग पोर्ट जो है हर फोन में एक तरह का होना चाहिए, कोई फोन में माइक्रो एसबी, कोई में टाइप सी, कोई में लाइटनिंग पोर्ट, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो ये एक नया चीज यूरोपियन यूनियन किया। तो ये है नॉन रिमूवेबल बैटरी होने पर भी चार्ज जो फोन है वो ब्लास्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है बैटरी का जो कंपोनेंट, वही अगर खराब हो तो उस टाइम भी एक काफी बड़ा रिस्क होता है। तो ये अगर देखा जाए तो हर एक स्मार्टफोन का बैटरी के अंदर रहता है लिथियम पॉलीमर। तो अगर ये लिथियम पॉलीमर जो कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट, यही अगर खराब हुआ तो स्मार्टफोन ब्लास्ट होने का काफी बड़ा चांस रहता है। इसका साथ साथ स्मार्टफोन का जो बैटरी, बैटरी के अंदर कुछ सर्किट रहता है जिसका काम क्या होता है, जो ओवर चार्जिंग को रोकना। तो ये जो सर्किट रहता है, ये सर्किट अगर लो क्वालिटी का होता है तो उस टाइम भी हम लोग का जो स्मार्टफोन बैटरी के साथ ब्लास्ट होने का एक काफी बड़ा रीजन बनता है। एंड तीसरा और एक आपको रीजन बोलूंगा, वो है आपका जो क्विक चार्ज है, क्विक चार्ज। मतलब आज के दिन में स्मार्टफोन में देखेंगे 30 वाट तो लो है, 50 वाट, 100 वाट तक आ रहा है, 65 वाट, 100 वाट, इस तरह। तो इसको लेकर अगर बात करेंगे तो इसके लिए हम लोग दो फोन का एग्जाम्पल आपके पास रखेंगे, एक है पोको का X2 और एक है रियलमी का X2। तो पोको का X2 अगर देखोगे, इधर हम लोग को 4500 mAh की बैटरी विथ 27 वाट का क्वालकॉम क्विक चार्ज का एडाप्टर देखने को मिलता है। सेम टाइम पोको X2 से अगर रियलमी X2 में देखेंगे तो उधर हम लोगों को 4000 mAh की बैटरी तो देखने को मिलता है, बट उधर हम लोगों को चार्जर जो 30 वाट का देखने को मिलता है। बट इंटरेस्टिंग लगे अगर देखेंगे, पोको X2 ज्यादा फास्टली चार्ज होता है एक घंटे के अंदर, जब हम लोगों की रियलमी X2 4000 mAh बैटरी होने पर, 30 वाट का एडाप्टर होने पर भी वो ज्यादा टाइम लेता है कंपेयर टू पोको X2। तो इसलिए भी हम लोगों का फोन ज्यादा फास्टली चार्ज होने पर हम लोग का ब्लास्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको इधर कुछ एग्जांपल देंगे ये दो फोन के अंदर, क्यों क्वालकॉम का चार्जर का एडाप्टर जो फोन में रहता है वो फोन ज्यादा हीट तो होता ही है, उसके साथ ब्लास्ट होने का चांस भी ज्यादा होता है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा ये दो फोन का कंडीशन कैसा कैसे में चार्ज होता है। तो पोको X2 में जो 27 वाट का एडाप्टर है, इधर अगर चार्जिंग की कंडीशन देखेंगे 9V 3A तो 27 वाट होता है अगर मल्टीप्लाई करते हो। उसके अलावा 5V 3A में भी चार्ज होता है, और उसका अलावा और एक है 12V 2.5A में चार्ज होता है। ये तीन कंडीशन में हम लोगों को पोको X2 चार्ज होते देखने को मिलता है। बट रियलमी X2 देखेंगे जो भूख चार्ज का 30 वाट का एडाप्टर जो 5V 6A में चार्ज होता है। तो ये दो फोन का अगर चार्जर एडाप्टर के एम्पियर एंड वोल्ट के अंदर अगर देखोगे, जो बैलेंस है आपको भूख चार्ज 4.0 जो है 5V 6A उधर आपको ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये जो है इसका आपको थोड़ा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एज ए पानी का जो पाइप देखने को मिलता है इसका साथ। तो इधर हम लोग का जो पाइप है, पाइप का जो छेद है उसको एज ए एम्पियर के साथ अगर कंपेयर करेंगे, सेम टाइम अगर हम लोग जो पानी है, पानी जो जा रहा है उस पाइप के अंदर से, उसको एज ए होल के साथ कंपेयर करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग की रियलमी का फोन, जो पोको का फोन है, उधर आपको 3A में अगर हम लोग देखेंगे चार्ज हो रहा है, तब हम लोग का पाइप का जो छेद है जो है, सेम टाइम अगर हम लोग रियलमी X2 का देखेंगे 6A, उसका छेद ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। सेम टाइम अगर हम लोग 1 लीटर पानी को दोनों पाइप से अगर हम लोगों को एक तरफ से और एक तरफ भेजना है, तो आपको अगर क्या है, इधर आपको 3A के साथ अगर 9A को देखोगे तो 3A 9V जो है, उधर अगर देखोगे तो पानी का जो प्रेशर है ज्यादा देखने को मिलेगा आपका पाइप के ऊपर, बिकॉज आप इधर आपको 9 × 3 करोगे। तो सेम टाइम अगर हम लोग इधर देखेंगे 6A जो पाइप का छेद है, उधर से अगर 5V का जो हम लोगों की पानी है उसको एज ए कंपेयर करके बताया जाए, तो उधर हम लोगों को क्या होगा, हम लोगों को जब पानी का प्रेशर है वो ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, जिससे क्या होगा, हम लोगों का पानी बहुत ही आसानी से एक जगह से और एक एरिया में हम लोगों की चला जाएगा, बट किसी तरह हम लोगों की पाइप के ऊपर प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा। तो सेम केस इधर भी होता है, जितना इधर प्रेशर आ जाएगा, मतलब एम्पियर एंड वाट के अंदर जितना अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा, उतना ही अच्छा हम लोगों की स्मार्टफोन अच्छा तो चार्ज होगा, हीट भी नहीं होगा। बट इधर अगर देखोगे जो 9V 3A, इसके अंदर एक काफी बड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसके लिए क्या होता है, जो क्वालकॉम का चार्जर एडाप्टर के साथ स्मार्टफोन आता है, उसमें हीटिंग इशू बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है चार्जिंग के टाइम। जितना ज्यादा हीट होगा आपका स्मार्टफोन, उतना ही ज्यादा आपका स्मार्टफोन आपका ब्लास्ट हो जाने की तरफ प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो ये है और एक रीजन, जो रीजन मैं एक वेबसाइट में देखा था, काफी बड़ा एक वेबसाइट, उधर से मैं ये देखा, उसके बाद इधर आपको एक्सप्लेन किया, पानी से आपको एक्सप्लेन कितना अच्छा
समझ आया वो मुझको पता नहीं, अगर समझ आया तो नीचे जरूर कमेंट करना। तो ये है कंप्लीट वीडियो, इससे आपको क्या पता चल रहा है, आपका फोन का जो कंडीशन है क्विक चार्ज के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, आपका कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बैटरी चार्ज, इसके अलावा आपका यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ हेल्पफुल हुआ तो वीडियो में एक लाइक देकर हम लोग को जो लाइक टारगेट है वो जरूर फिल करना, चैनल में नाना चैनल सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन है उसको दबा देना, इस तरह वीडियो का फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। शेयर करना फ्रेंड फैमिली मेंबर के साथ। बाय।